दोस्तों 90% पंखे के अंदर हमें जो है एक ही तरह की फॉल्ट देखने को मिलती है, वो दोस्तों हमारी होती है लूप छोड़ने की। चाहे दोस्तों हमारी फराटा फैन हो, चाहे वो हमारी एलुमिनियम वाली कोई भी पंखा हो, चाहे वो हमारी सीलिंग फैन ही क्यों ना हो, अक्सर उस पंखे के अंदर दोस्तों हमें लूप छोड़ने की समस्या में जो है ज़्यादातर देखने को मिलती है। अब दोस्तों ऐसा कंडीशन बनता है तो बनता क्यों है, वो दोस्तों हम लोगों की और आप लोगों की गलती की वजह से ऐसा कंडीशन हमें जो है देखने को मिलती है। कंपनी जब हमारे पंखे को रिवाइंडिंग करके देते हैं तो उसकी पंखे की लाइफ दोस्तों काफ़ी ज़्यादा क्यों होती है, उसकी पंखे की लूप दोस्तों काफ़ी ज़्यादा दिन क्यों चलती है, चलिए दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताता हूँ। वो दोस्तों हमारी होती है वायर की, यानी कि सही वायर का इस्तेमाल करना। हम लोग और आप लोग की गलती दोस्तों यही है कि कोई से भी वायर लेके और किसी भी पंखे को वायरिंग कर देते हैं, यानी कि लूप को निकाल देते हैं, अल्मोनियम में कॉपर डाल दिए, कॉपर में अल्मोनियम डाल दिए, कोई भी डाल देते हैं, जिस वजह से हमारी पंखे में लूप छोड़ने की ज़्यादातर समस्या होती है। इस वीडियो में आप लोगों को मैं दो वायर बताने वाला हूँ। अगर दोस्तों आप इस दो वायर को इस्तेमाल करते हो फराटा फैन में या दोस्तों सीलिंग फैन में, तो मैं दावे के साथ गारंटी दे के बोल सकता हूँ दोस्तों आपकी पंखे की लूप छोड़ने की समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों वो कौन सी वायर है और हमने इसे कहाँ से खरीदा है, चलिए इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताता हूँ। और दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए दोस्तों आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ना फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास इस साइड से हमारी जो है तीन कलर की वायर है, एक हमारे पास रेड है, एक हमारे पास येलो है, एक हमारे पास ब्लैक है। ब्लैक में दोस्तों हमारी थोड़ा सा यहाँ पे जो है ग्रे में है। अब यहाँ पे ये जो हमारी वायर है ये हमारी एल्युमिनियम वायर है, आप देख सकते हो, और इसके अंदर दोस्तों हमारे जो गेज भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, आप देख सकते हो। यानी कि इस वायर का इस्तेमाल दोस्तों आप कहाँ पे कर सकते हो आगे आपको मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहला नंबर देख लीजिए, ये जो हमारी वायर है दोस्तों ये हमारी 3076 वायर है और जो हमारी सूर्या कंपनी की है, और ये हमारी एल्युमिनियम की बंडल है, एल्युमिनियम की बंडल है 90 मीटर की। तो ये तो हमारी तीन कलर हो गई, यानी कि एक पंखे को लूप कर निकालने के लिए। यहाँ पे इस वायर का इस्तेमाल फराटा फैन के अंदर, अगर दोस्तों जिस पंखे को आप एल्युमिनियम वायर से रिवाइंडिंग करते हो, जैसे कि मान लीजिए टेबल फैन होती है, फराटा फैन होती है, या स्टैंड फैन में कोई भी फैन होती है एल्युमिनियम वायर वाली, तो उसके अंदर दोस्तों इस वायर का आप इस्तेमाल करो। यानी कि ये हमारी जो होती है एल्युमिनियम की जो हमारी वायर है, और काफ़ी अच्छी गेज है, आप देख सकते हो यहाँ पे इसके अंदर हमारी गेज है, काफ़ी अच्छी गेज है। अगर इस वायर से आप जो है फराटा फैन को, यानी कि एल्युमिनियम वाली कोई भी पंखे को रिवाइंडिंग करते हो, तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में चलने वाली है। दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम बनती है कि यहाँ पे हमारी जो है जिसमें गेज कम रहती है तो उसमें जो है हमारी थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, यानी कि इसकी लूप जो है थोड़ा सा कम चलती है। बट यहाँ पे इसके अंदर दोस्तों गेज भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आप देख सकते हो, और यहाँ पे वायर भी हमारी जो है काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है, यहाँ पे ये सूर्या कंपनी की। अगर एक बंडल की बात की जाए तो ये करीब मुझे एक बंडल की कीमत 180 रुपये से 200 रुपये के बीच पड़ी है। तो आप मार्केट में पता कर सकते हो, ये बंडल आपको वहीं मिलेगी जहाँ पे आप मोटर पंखे की वायर खरीदते हैं कॉपर की, उस दुकान पे आप यहाँ पे इस वायर को बोलिएगा एल्युमिनियम वाली पंखे की लूप को निकालने के लिए हमें एल्युमिनियम लीड वायर चाहिए, तो आपको वो मंगा देंगे। तो अगर आप ऐसे अगर नहीं होता है दोस्तों, आप यहाँ पे इसका फोटो हमें खींच लीजिए, आप वहाँ पे दिखा दीजिएगा, वो दोस्तों आपको आसानी से मंगा देंगे। तो ये हो गई दोस्तों हमारी एल्युमिनियम पंखे के लिए। अगर दोस्तों आप एल्युमिनियम पंखे को एल्युमिनियम वायर से लीड को निकालते हो, तो मैं दावे के साथ गारंटी दे के बोल सकता हूँ कि आपकी लूप छोड़ेगी ही नहीं, यानी कि कभी भी नहीं छोड़ेगी। तो यहाँ पे ये हमारी जो फायदे होती है एल्युमिनियम से एल्युमिनियम में, तो इसी वायर का मैं इस्तेमाल करता हूँ अपने पंखे की लीड को निकालने के लिए एल्युमिनियम वाली पंखे में। अब यहाँ पर हमारी बात आती है कॉपर वाली, यानी कि जो हमारी कॉपर वाली पंखी होती है उसको हम क्या करें, तो उसके लिए भी दोस्तों हमारी ये वायर है 1436 नाम से हमें ये जाना जाता है, और ये दोस्तों हमारी ये वेस्टेक्स कंपनी की हमारी ये वायर है, और 1436 इस वायर को बोलते हैं दोस्तों। ये हमारी जो वायर होती है ये हमारी 5 कलर में आती है, यानी कि 5 कलर की तार इसके अंदर में जो देखने को मिलती है, ये भी आपको जो है 90 मीटर की देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों ये हमारी जो वायर होती है ये हमारी जो ब्रास में होती है, आप देख सकते हो। इसे आप दोस्तों एल्युमिनियम वाली जो पंखी होती है उसके ऊपर भी यूज़ कर सकते हो, कॉपर में भी यूज़ कर सकते हो। दोस्तों सीलिंग फैन की लूप को निकालने के लिए मैं इसी वायर का इस्तेमाल करता हूँ, काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर रिस्पॉन्स देती है, लूप दोस्तों नहीं छोड़ती है। तो इस वायर का हमें जो है नाम 1436 क्यों पड़ा, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर हमारी जो ये वायर है 1 2 3 4 इस तरह से गिनिएगा तो आपको यहाँ पर जो है ये 14 वायर यहाँ पे आपको जो है देखने को मिलेगी। और ये जो हमारी गेज है इसमें जो हमारी गेज इस्तेमाल की गई है 36 गेज की यहाँ पर जो है वायर एक एक डाली गई है, इसीलिए दोस्तों ये मार्केट में आपको जो है 1436 नाम से आपको जो है ये बंडल देखने को मिल जाएगी। ये आपको जो है 5 कलर में वायर होगी, और इससे आप जो है 3 स्पीड वाली पंखे में भी यूज कर सकते हो आसानी से, और दोस्तों सीलिंग फैन में आसानी से यूज कर सकते हो, काफ़ी अच्छा यहाँ पे रिस्पांस देती है। कॉपर में आप जो है इसी वायर का इस्तेमाल कीजिएगा, काफ़ी बेहतर यहाँ पे आपको जो है रिस्पांस मिलने वाली है। अगर इसकी अगर बंडल की कीमत की बात की जाए तो आपको ये बंडल आपको जो है 400 रुपये में मिलने वाली है, जगह
हमारा जगह का भी डिपेंड करता है, मार्केट आपकी अच्छी होगी तो आपको जो है उससे सस्ते में भी मिल जाएगी। तो ये थी दोस्तों हमारी कॉपर के लिए वायर, ये हमारी जो है ब्रास में आती है, कॉपर एल्युमिनियम दोनों में ही यूज कर सकते हो। तो दोस्तों मैं इसी वायर का इस्तेमाल करता हूँ पंखे को लूप को निकालने के लिए, जिससे हमारी यह पंखे की लूप छोड़ने की समस्या बिल्कुल भी नहीं आती है, यानी कि एक भी पंखा यहाँ पे जो नहीं आती है। तो ये वीडियो थी दोस्तों जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था नए मैकेनिक और पुराने मैकेनिक के लिए, यानी कि सभी के लिए। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा और टेक केयर, बाय बाय।